بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم جناب صدر محترم میرے بزرگوں دوستوں اور بھائیوں شمع رسالت کے پروانوں آج کوئٹہ میں بلوچستان کی تاریخ کے سب سے بڑے اجتماع کے انعقاد پر میں اہل کوئٹہ کو اور اہل بلوچستان کو سلام پیش کرتا ہوں میرے محترم دوستو آپ کا یہ عظیم الشان اور فقید المثال اجتماع اور تاحد نظر انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اور یہ بحر بے کنار یہ پیغام دینے کے لیے یہاں جمع ہے کہ ہمیں پاکستان میں جعلی اور کٹ پتلی حکومت قابل قبول نہیں ہے ایک ایسی حکومت جو پاکستان کے نظریاتی شناخت کے لیے خطرہ ہو ایک ایسی حکومت کہ جو پاکستان کے مسلمانوں کے عقیدے پاکستان کے مسلمانوں کے دلوں کی آواز ان کے عقیدے کے احساسات کے لیے خطرہ ہو ہم واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ایسی قوتوں کے خلاف ایسے بیرونی ایجنٹوں کے خلاف ہم عالمی قوتوں کے اس طرح کے نمائندوں کے خلاف ہم جعلی طور پر قوم پر مسلط ہونے والوں کے خلاف برسر پیکار تبل جنگ بجا چکے ہیں اور ہم آج اس وقت اپنے گھروں کو جائیں گے جب اس حکومت کا خاتمہ کر کے ان کو ذلت و رسوائی کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس بھیج دیں گے پاکستان کے تمام ریاستی اداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس ملک کو پرامن ملک دیکھنا چاہتے ہیں اس کو پرامن رکھنے کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں ہم نے جوانوں کی قربانیاں دی ہم نے علماء و اکابر کی قربانیاں دی لیکن فساد برپا کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کی اور اس ملک میں ہم پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہم ایک سیاسی ماحول کے ساتھ کھڑے ہوئے میں پھر ایک بار اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان کو افغانستان مت بناؤ میں پاکستان کو
खंडरात नहीं देखना चाहता, मैं पाकिस्तान को रूप तरक्की देखना चाहता हूं। लेकिन अगर तुम बजिद हो कि हम नाजायज होकर भी मुल्क पर मुसल्लत रहेंगे तो आओ दो दो हाथ कर लें, देखा जाएगा कि फिर आपका मुस्तकबिल क्या है और हमारा मुस्तकबिल क्या है। मेरे मोहतरम दोस्तों, गुज़श्ता साल 25 जुलाई को इलेक्शन हुआ और 25 जुलाई को पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया। पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्जी की सियासी जमातें बनाई, अपनी मर्जी के नतीजे मुरतब किए, अपनी मर्जी के लोग जो अवाम के मुस्तरद करदा थे उनको जबर की बुनियाद पर कौम पर मुसल्लत किया। तमाम सियासी जमातों ने मुत्तफ़िका मौकफ तय कर लिया कि ये इलेक्शन जाली है, ये इलेक्शन खलाई है, ये हुक्मरान हमें कबूल नहीं है, बदतरीन धांधली हुई है। इलेक्शन कमीशन शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन नहीं दे सका है, दोबारा इंतखाबात कराए जाएं। इस मुत्तफ़िका मौकफ के बाद अपनी जगह पर के मौकफ तय है, लेकिन इस मौकफ को जिंदा रखते हुए अवाम के साथ मुसलसल राबते में जमीयत उलमाए इस्लाम और मुत्तहिदा मजलिस अमल की जमातें रही। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्वेटे तक हमने सफर किया है और कोई 15वां ये हमारा मिलियन मार्च है। पूरे मुल्क के आवाम में हमने बेदारी पैदा की है और आज आपका ये इज्तिमा जिसके तूल अर्ज का अंदाजा लगाना मुश्किल है, ये पब्लिक की आवाज है, ये आवाम की आवाज है, ये मुल्क के गली कूचे की आवाज है। और इस आवाज को समझो, ये नविश्ते दीवार है, इसको पढ़ लो। आपने देखा कि इस मौकफ को तय करने के बाद हमने इस मुल्क में क्या देखा। ऐसे हुक्मरान जबरन मुसल्लत हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सित्तुन लअनतुहुम वलअनहुमुल्लाह वकुल्लु नबीयिन मुजाब। छह लोग वो हैं कि जिन पर मैंने भी लानत भेजी और अल्लाह ने भी लानत भेजी है, और हर नबी की दुआ कबूल होती है। उसमें एक है अल मुतसल्लित बिल जबरूत, जो जबरी तौर पर कौम पर मुसल्लत होता है। जमहूरियत को हम जानते हैं, कोई ब्यूरोक्रेट और कोई जर्नेल हमें जमहूरियत के मानी न सिखाए। ये तशरीह हमने करनी है, एक जमहूरियत पसंद ने करनी है जो आवाम के मिजाज को समझता है। और हम कहते हैं कि ये जमहूरी हुकूमत नहीं है, हम कहते हैं ये अलल एला गैर एलानिया एक मार्शल ला है जो मुल्क पर मुसल्लत किया गया है। तुमने
एक जाली अक्सरियत की आड़ लेकर मुल्क पर हुकूमत करने की कोशिश की है। किसके एजेंडे को पूरा कर रहे हो? हम कहते हैं ये जमहूरी हुकूमत नहीं है, और जब हम कहते हैं कि नहीं है तो फिर इसका माना यह है कि यकीनन वो जमहूरी हुकूमत नहीं है। हमारी बात हुज्जत है, तुम्हारे दावे हुज्जत नहीं है। लेकिन बहुत ही जल्द उनका एजेंडा भी और उनकी कारकर्दगी भी सामने आई। आपने देखा कि मुल्क की मईशत डूबने की तरफ चली गई और पाकिस्तान हचकोले खाने लग गई। इस साल बजट में, इस साल के बजट में जो पिछले साल टारगेट मुकर्रर किया गया था कौमी मजमूई पैदावार का 6.5% था, लेकिन आज इन अहल हुक्मरानों ने जो बजट पेश किया है उसमें कौमी मजमूई पैदावार का हदफ 2.5% रख लिया है। इन अहलों ने पहला बजट ही ऐसा पेश किया कि जिसमें इस मुल्क के इस मुल्क की तरक्की की कोई तस्वीर मौजूद नहीं है। बैनुल अक़वामी ताउन भी इनको हासिल नहीं है, बैनुल अक़वामी इदारे भी इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और एक चीन था जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहता था, उसकी सरमायाकारी को जाया कर दिया गया, उसके जज्बात को ठेस पहुंचाई गई। पाकिस्तान ने उसके सरमायाकारी के अमल को मुअत्तल कर दिया गया और पाकिस्तान का रुपया 104 से 167 पे चला गया। क्या मईशत तुमने मुल्क को दी है? तुमने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। और मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि आज की मुतमद्दिन दुनिया में किसी रियासत की बका का मदार वो मुल्क की मईशत पर हुआ करता है। मुल्क का दिफा और दिफाई कुव्वत दूसरे दर्जे का सबब है, पहली चीज वो मुल्क की मईशत हुआ करती है। सोवियत यूनियन का अंजाम देखें, फौजी लिहाज से वो कमजोर नहीं था, लेकिन माशी लिहाज से जब वो डूब गया तो सोवियत यूनियन भी साथ डूब गया। आज खुद अमेरिका को ये एहसास है, अमेरिकी सदर ट्रंप को इस बात का एहसास है कि दुनिया में जंगों के जरिए अमेरिकी मईशत पर दबाव बढ़ रहा है और अमेरिकी मईशत डूबने की तरफ जा रही है। वक्त पर उसने इदराक किया कि मशरक वुस्ता से भी फौजें वापस बुलाओ, अफगानिस्तान से भी फौजें वापस बुलाओ, कोरिया से भी अपनी फौजें वापस बुलाओ। और वो इस हकीकत का इदराक कर रहा है कि माशी बदहाली अमरीकी रियासत के लिए नुकसानदेह है। क्या पाकिस्तान इतना ताकतवर है कि उसकी मईशत बैठ जाए और हम अपनी रियासत को बाकी रख सकेंगे? तो ऐसे हालात में जाहिर है कि फिर पहला बजट आया और पहले ही बजट के बाद मुल्क के तूल अर्ज में हमारी ताजर बिरादरी ने हड़ताल किया और मोहल्ले के छाबड़ी वाला भी, छोटा दुकानदार भी, गांव का दुकानदार भी, उसने दुकानें बंद की और इस नाकाम मईशत और नाकाम बजट पर एहतजाज नोट करा। पाकिस्तान की तारीख का सबसे कामयाब हड़ताल, सबसे कामयाब एहतजाज जो ताजरों ने किया वो दुनिया ने साबित किया कि पाकिस्तान की मईशत का क्या हाल है। मुल्क की ताजर बिरादरी पाकिस्तानी मईशत का चेहरा हुआ करता है।
जब उनका ये हाल है, उन्होंने इस तरीके से अपना एहतजाज नोट कराया, उसके बाद कौन सी बात रह जाती है कि हम इनको मजीद मौका दें कि तुम नाजायज भी हो, तुम नालायक भी हो, तुम ना अहल भी हो, और फिर भी तुम हम मुल्क की मईशत आपके हवाले करें, हम मुल्क की मईशत मजीद इनके हवाले करने के मुतहम्मिल नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बेरोजगारी का ये आलम है कि आज मुल्क का नौजवान दर बदर ठोकरे खा रहा है, सरकार के दरवाजे पर खड़े रोजगार की भीख मांग रहा है, लेकिन वहां से धुतकारा जा रहा है। मुल्क का नौजवान आज बेरोजगारी के हाथों खुदकुशी करने के लिए तैयार हो गया है, उसका मुस्तकबिल तुमने तारीफ कर दिया है, तुमने दावे किए कि नौजवान हमारे साथ है, नौजवान ने तुमसे उम्मीदें वाबस्ता की, लेकिन गुज़श्ता 7-8 महीनों में तुमने जिस तरह मुल्क के नौजवान को मायूस किया है, तालीम याफ्ता नौजवान को मायूस किया है, जिस तरह तुमने उनको बेरोजगार किया है, शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी उसकी कोई मिसाल मिल सकती हो। मेरे मोहतरम दोस्तों, आपने देखा कि इन चंद महीनों में महंगाई कहां पहुंच गई कि आज मुल्क का हर गरीब इंसान कराह रहा है, उसकी कमर टूट गई है। 30 से 40 हजार रुपए माहाना कमाने वाला आज महंगाई के हाथों वो बाजार में राशन खरीदने के काबिल नहीं रहा है, और गरीब का ये हशर मुल्क में कर दिया है कि आज वो कर्ज में मुबतला है, वो कराह रहा है, और एक तरफ रुपए की बेकदरी, एक तरफ नौजवान की बेरोजगारी, एक तरफ कमर तोड़ महंगाई, एक तरफ गरीब की बदहाली, और दूसरी तरफ टैक्सों का जबरी भरमार कि अगर आपके पास 50,000 रुपए हैं और 50,000 रुपए में आप कोई चीज खरीदते हैं तो उसका भी आपको चेक देना होगा या अपना शनाख्त कार्ड देना होगा। लोगों की जिंदगी तंग कर दी तुमने, और कहते हो कि दस्तावेजी मईशत है, दस्तावेजी मईशत ये मगरब का एजेंडा है, और आलमी मालियाती इदारे इस दस्तावेजी मईशत के नाम पर पाकिस्तान के गली कूचे के हर इंसान और हर दुकानदार के जेब तक पहुंचना चाहता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज मुल्क का वकील चीख रहा है, वो समझता है कि ये मुल्क कानून के मुताबिक नहीं चल रहा, ये कानून की हिफाजत करना चाहते हैं। आज अगर कोई जज एस्टेब्लिशमेंट और हुक्मरानों के मंशा के मुताबिक फैसला नहीं देता, वो जज भी गैर महफूज है, उसकी नौकरी भी दांव पे लगी हुई है, जमीर के मुताबिक अदल इंसाफ के तकाजों पर वो फैसला देने के काबिल नहीं है। और एक जज साहब का तो वीडियो भी सामने आ गया कि मुझे ब्लैकमेल किया गया कि मैं हर कीमत पर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दूं। इस तरह के मुतनाजा फैसले ये किस तरह कौम को कबूल हो सकते हैं, और आप कौन होते हैं कि अदालतों में आप जुर्म साबित न कर सके, आप जजों के हाथ मरोड़ कर उनसे सियासतदानों के खिलाफ फैसले लें, और फिर आप कहें कि ये तो करप्शन में गिरफ्तार है और इनके खिलाफ एहतसाब हो रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज नेब
एक ऐसा इदारा है जनरल मुशर्रफ के जमाने में ये बना और उस वक्त भी मुखालिफिन के खिलाफ इंतकाम लेने के लिए बना था, लेकिन नेब का इदारा उस वक्त इतना जलील नहीं हुआ, नेब का इदारा उस वक्त इतना बेनकाब नहीं हुआ जितना आज के इस दौर में बेनकाब हुआ है, जितना आज के दौर में ये इदारा रुस्वा हुआ है। गली कूचे में हर फर्द ये समझता है कि नेब अब एहतसाब का इदारा नहीं रहा, वो सियासतदानों के खिलाफ महज एक इंतकामी इदारा बन गया है। और हमें डराते हैं कि नेब आपको पकड़ लेगा, हम अब इससे आगे जा चुके हैं, गिरफ्तारी कोई चीज नहीं, अब तो सर की बाजी लगाने का दौर आ गया। मेरे मोहतरम दोस्तों, इन्होंने हुकूमत में आते ही दीनी मदारिस पे हाथ डालने की कोशिश की, दीनी मदारिस की हुर्रियत पर हमला किया और आज भी मुख्तलिफ तरीकों से वो दीनी मदारिस के खिलाफ इकदामात के लिए हीले बहाने तलाश कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, दीनी मदारिस उनको हजम करना कोई इतना आसान काम नहीं है। दीनी मदारिस तुम्हारे लिए लोहे के चने साबित होंगे। हम ये कहते हैं ये मिलियन वॉश ये तो दीनी मदरसों के मासूम तलबा को ले आते हैं, अगर आज यहां पर 10 से 15 लाख का इज्तम है आप बताएं इसमें दीनी मदरसे का तालिब इल्म कितना होगा। एक शरीफ नफ्स और पाकिस्तान का शरीफ चेहरी अगर दीनी मदरसे का तालिब इल्म है, नौजवान है, उसका वोट है और वो जलसे में शरीक होता है, ये तो दीनी मदरसे के मासूम तलबा को जलसे में लाते हैं। तो जब तुमने 120 दिन का धरना दिया था और तुमने जच्चा बच्चा सेंटर से भी छोटे बच्चों को जो माँ के गोद में थे उनको भी धरने में लाया, छोटे छोटे स्कूल के बच्चों को